हेलो, तो मैं हूँ यहाँ शिमला में। शिमला में 2 दिन का ट्रिप था, और कैसे आई, क्या क्या क्या, कहाँ गई, ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो फिलहाल सुबह सुबह बस से यहाँ उतरने के बाद होटल ले लिया, और उसके बाद निकल पड़े घूमने के लिए। घूमने के लिए कार हम लोगों ने हायर कर लिया था, और फिर बहुत ही सुंदर से शिमला के जो माल रोड है उसके आगे एक बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड में हमें ये कार मिली, और वहाँ से हम सीधे सीधे चलते 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 पहुँच जा रहे थे अलग अलग साइट सीन देखने के लिए। तो ये था मीर मार्केट, और वहाँ से फिर धीरे धीरे हम पहाड़ और सुंदर से व्यूज़ को एंजॉय करते हुए पहुँच गए थे ग्रीन वैली। What a beautiful place it is। यहाँ पे बहुत enjoy किया, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की, और उसके बाद फिर हम बैठ गए गाड़ी में और फिर चलने लगे कुफरी की ओर। और ये वहाँ पहुँचते ही मुझे मिल गए घोड़े, जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, पर उसके लिए देना था 500 रुपये का एंट्री फी। ऊपर पहुँचने के बाद बहुत सारे और भी पॉइंट्स होंगे 5-6, जिसके लिए हमें या तो 1000 रुपये का या 500 रुपये का और देना था। तो हमने बस 500 रुपये वाला चुना, जिसमें 5 प्लेसेस हमें मिलता। ये पहले भी मैं आई हुई थी शिमला, तब नहीं था, इस बार पहली बार। पर पर्सन 1000 रुपये हम लोग चढ़ गए घोड़े पे। अरे बहुत ही मज़ा। तो हम पहुँच गए शेरों के साथ सफर में, पीक में पहुँच गए। ऐसे घोड़े पे चढ़ के जब हम पहुंच गए ऊपर बीच में, और वहां पहुंचने के बाद भी हमें फिर से देने पड़े एंट्री फी 10-10 रुपए की, जबकि हम लोग 500 रुपए की दे रखे थे। किस बात का है ये? प्रवेश शुल्क 10 रुपए। प्रवेश यहां का इससे पहले भी ले चुके 1000 रुपए, बीच में भी 20 रुपए, और फिर 10 रुपए। एक जगह आने के लिए 50 जगह एंट्री फी क्यों दे? ये बहुत ही गलत बात है, और ये चीज़ भी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इस तरह से यक के ऊपर बैठ के फोटोग्राफी तो चलो फिर भी ठीक है, पर इनकी जो नाक में जिस तरह से घुसा के रखे ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। हाँ, हॉर्स राइडिंग में हॉर्स के साथ कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा है एज सच, बट इट वॉज टॉर्चर। उसके बाद हम लोग आ गए मनसा मंदिर के पास, फिर क्या जिप लाइनिंग और देखा एप्पल गार्डन। पर इसके नाम पे जो एक्स्ट्रा 500 रुपये हम लोगों ने दिया वो बहुत ही बेकार गए, क्योंकि ऐसा कुछ खास पॉइंट नहीं था, और कोई टिकट भी नहीं मांग रहे थे, आप अपने आप से भी जा सकते थे। हाँ, जिप लाइनिंग के लिए आपको पैसे देना होता है, वो आगे भी आप नीचे दे सकते हो। तो इट वॉज वेरी वेरी रॉन्ग। अच्छा हुआ जो हमने और 1000 रुपये नहीं दिए। सो आगे की वीडियो और वहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या किया वो मैं दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। इट वॉज रियली वेरी फन।